अस्सलाम वालेकुम क्लास दिस इज मोहम्मद हाशिम यू गाइस आर वाचिंग बाय हाशिम जेब बेटा आज की क्लास के अंदर कराची यूनिवर्सिटी के 2022 के पेपर को हम सॉल्व करने के ऊपर मूव करेंगे कराची यूनिवर्सिटी के ऊपर मैं 2024 के पेपर को 2023 के पेपर को ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं जो बच्चे मुझसे बार बार कह रहे थे सर मैराथन कब तक आएगी तो बेटा ये मैराथन की वीडियोस ही मैं आपके लिए डिजाइन कर रहा हूं ना कि मैं बैठ के आठ नौ घंटे की वीडियो बनाता मैंने उसके बजाय कोशिश ये कर रहा हूँ आपको एक आधे घंटे की वीडियो दी जाए जिसके अंदर आपके पास तमाम एयरली पेपर को मैं सोल्व करवाऊ तो ये तमाम के तमाम एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा इन एमसीक्यूज के अंदर जितने आ रहे हैं आपने उन कवर अप करना है जितने कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उन सबको कवरअ करना है दीज ऑल

वेरी इंपॉर्टेंट पेपर बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है इस क्वेश्चन में देखो, क्या कह रहा है वर्टेस तो और फोकस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है देखो सबसे पहले तो इसवेशन को देखते साथ ही मुझे अंदाजा हो रहा है कि इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल लीनियर कौन सा है भाई मेरे पास x वाला जो वेरियबल है बेटा वो लीनियर फॉर्म में है कभी भी पैराबोल बोला कि इक्वेशन में जो वेरिएबल लीनियर फॉर्म में होता है ना इसका मतलब ये होता है कि भाई उस पर्टिकुलर पैराबोला का उस पर्टिकुलर पैराबोला के अंदर उसका एक्सेस आ रहा है यानी कि भाई जो भी वेरिएबल लीनियर फॉर्म में होगा इसका मतलब एक्सेस ऑफ पैराबोला उस वेरिएबल का है तो एक्स अगर लीनियर फॉर्म में है तो उसका मतलब एक्सेस ऑफ पैराबोला एक्स का है तो आपने सिंपल तरीके से करना क्या है आपने सिंपल तरीके से इसको कंबाइन करवा देना है आपने सिंपल तरीके से इसको क्या करवाना है इसको कंपेयर करवा देना है वाई स्क्वायर इज के साथ नॉर्मल सी बात है तो बेटा देखो वाई स्क्वायर के सामने वाई स्क्वायर एक्स के सामने एक्स आ रहा है तो फोर

या फिर टू कोसेक टू ए या फिर टू साइन टू ए ये हमारे ऑप्शन गिवे है इस क्वेश्चन के अंदर

प्लाई हो जाएंगी तो ये बन जाएगा नीचे कॉस ए इंटू साइन ए के बराबर साइन साइन से आकर मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है ये बन जाएगा साइंस स्क्वाय ए कॉस कॉस से जाके मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली बेटा ये क्या बनाएगा कॉस स्क्वायर ए के बराबर तो बेटा देखो साइंस स्क्वायर थीटर प्लस का किसके बराबर है साइंसक्वायर थीटर प्लस काटर बराबर होता है दुनिया के अंदर वन के तो मुझे साफ तौर पर दिख रहा है क्या बन गया ये बन गया वन डिवाइडेड बाय वन डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए अब देखो अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप इसको ब्रेक भी करते हो ना एलसीएम को तो वन बाय कॉस बराबर होता है सेक के और वन बाय साइन बराबर होता है कॉस के तो किसी भी ऑप्शन में आपको सेक इंटू कॉस एक् तो क्यों नहीं है

एक्स आ रहा है ना तो वहां पे मैं वन बाय फोर डाल दूंगा आगे क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा एन का एन फिर आ रहा है एन माइनस का वन नीचे डिवीजन में टू फैक्टोरियल टू के बराबर होता है फिर आ रहा है एक्स का स्क्वायर तो वन बाय फोर का स्क्वायर क्या हो जाएगा वन बाय सिक्सटीन के बराबर फिर आगे प्लस का डॉट 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 चलता जाएगा यानी कि देखो कहने का मकसद क्या है इसको सिंप्लीफाई अगर मुझे करवाना है तो एग्जामिनर ने कंडीशन क्या दी है कंडीशन दी है कि भाई सेकंड और थर्ड टर्म आपस में बराबर है सेकंड और थर्ड टर्म आपस में बराबर है इसका मतलब क्या हुआ ये सेकंड टर्म आ गई आपकी ये आपकी थर्ड टर्म आ गई तो इनको आपस में बराबर कंसिडर करना है तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा एन डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस का वन जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे सिंप्लीफिकेशन करवाओगे तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा, एन स्क्स का एन और 16 टू किसके बराबर होगा होता है सिक्स के बराबर सही है ना अच्छा वैसे चाहो तो इसको अभी सिंपलीफाई नहीं करते थोड़ा सा और मजीद आप सिंप्लीफाई इसको नीचे कर सकते थे ब्रैकेट को ओपन ना करो बेश क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे उसको ब्रैकेट को ओपन नहीं करता ना तो एन इन एन माइनस का वन रहेगा और नीचे सिक्सटीन टू जार थर्टी टू बन गया तो इस एन से देखो ये एक एन कट जाएगा फोर वन जार फोर होता है फोर के टेबल में थर्टी टू आपको कहां पे मिलता है बेटा फोर एट जर इज थर्टी टू ये एट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके क्या हो जाएगा एट जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके तो ऊपर आ गया एट का एट यहाँ पे एन माइनस का वन माइनस का वन जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का वन हो जाएगा तो एन की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी नाइन के बराबर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया आपको एन की वैल्यू निकालनी थी नाइनटी नाइन परसेंट बच्चा के यू के टेस्ट टैसे सॉल्व भी नहीं कर सकता कैसे सोल्व करोगे देखो लॉजिक समझो अगर लॉजिक समझ में आ गई इस तरह का हर क्वेश्चन सोल्व लोगे इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है आपको एग्जामिनर ने बायोमल एक्सपेंशन दी हुई है देखो मुझे कैसे पता चलेगा कि आया ये आयानोम सीरीज का टॉपिक है बायनोमल थ्योरम का टॉपिक है सेकंड टर्म अगर कभी भी वन से छोटी होती है ना इसको हम बायनोमल सीरीज के अंदर शुमार करते हैं सेकंड टर्म अगर वन से बड़ी होती है तो बॉयोमल थ्योरम का होता है बेसिक चीज है बेटा अच्छा यहाँ पे एक्जाम कहते हैं और थर्ड टर्म आपस में क्या है बराबर है जब इसको आप एक्सपेंड करोगे फाइंड वैल्यू ऑफ एन तो बायनोमल सीरीज का दुनिया के अंदर फॉर्मूला क्या होता है ये होता है का nx का स्क्वायर फिर आगे होगा एन इंटू एन माइनस वन इंट एक्स क्यूब डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल चलता है जाएगा सही है ना बेसिक कॉन्सेप्ट है यानी कि फॉर्मुला आपका इंक्रीज अप करता जाता है तो अब देखो मैंने यहाँ पे सिंपल वैल्यूज को प्लॉट करा एन जहां आ रहा था एन का मतलब पावर होता है एक्स का मतलब सेकंड वैल्यू होता है जहां पे एन आ रहा था वहां पे एन को रखा जहां पे सेकंड टर्म आ रही, रही है वहां पर सेकंड टर्म को रखा तो मेरे पास देखो इस तरीके से फॉर्मुला बन रहा होगा अब ये पहली टर्म का मतलब क्या है ये फर्स्ट टर्म है ये आपकी सीक्वेंस की पहली टर्म आ गई ये सेकंड टर्म है ये आपकी थर्ड टर्म है तो एग्जामिनर ने क्या कंडीशन है।, है तो मैंने और सिंपल वे में हमारे पास आंसर आ जाएगा एन का डेट वॉज दी लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड दी लेंथ ऑफ दी टेंजन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन बेटा इस क्वेश्चन में कह रहे हैं निकालो मेरे बच्चों को मैंने संस्पेक्ट दिखाया है वह सॉल्व करने का कैसे सॉल्व करोगे बेटा देखो लेंथ ऑफ दी टेंजन को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ दी टेंजन को फाइंड करने का सिंपल फॉर्मूला होता है एल इज़ इक्वल टू अंडर रूट के अंदर जर्नल इक्वेशन ऑफ़ अ सर्कल ये बराबर होती है एक्स स्क्� का 2GX, प्लस का टू जी एक्स प्लस का टू एफ वाई आगे आ जाता है प्लस का सी ये सिंपल तरीके से आपने करना क्या है इस इक्वेशन के अंदर ये जो आपका फॉर्मूला है यहाँ पे जहां जहां एक्स आ रहा है और जहां जहां वाई आ रहा है वहां पर हम क्या करेंगे फाइव कॉमा वन को प्लॉट करेंगे और जी और एफ की वैल्यू जो सर्कल की इक्वेशन गेवे है उससे फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है

आ रहे वहा फाइव और वन आ जाएगा और बाकी जगहों पर वैल्यू आ जाएगी तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा फाइव का स्क्वायर वाई की जगह पे आ जाएगा वन का स्क्वायर प्लस का टू जी एक्स तो जी बराबर है किसके जी बराबर है थ्री के एक्स बराबर है किसके फाइव के प्लस का टू एफ वाई एफ बराबर है किसके एफ बराबर है वन के 2K, y बराबर है 1K, और आगे आ रहा है प्लस का सी प्लस के सी का मतलब होता है कॉन्स्टेंट तो याद रखिएगा जब इक्वेशन अपनी सिंपलीफाइड तरीन फॉर्म पे है तो आपका कॉन्स्टेंट क्या होगा कॉन्स्टेंट नेगेटिव का थ्री है यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या आ रहा है मेरा नेगेटिव का थ्री तो सी की जगह पे आ जाएगा नेगेटिव का थ्री अब आप बैठ के इसको सिंपलीफाई करवाते रहिए क्या बन जाएगा ये हो जाएगा फाइव का स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव प्लस का वन ट्वेंटी सिक्स बन जाएगा डायरेक्टली लिख लो भैया ट्वेंटी फाइव प्लस का वन ये बन गया ट्वेंटी सिक्स के बराबर देखो थ्री टू हजार सिक्स होता है और फाइव सिक्स क्या होता है हमारे पास दुनिया में थर्टी के बराबर होता है टू पे टू इंटू नेगेटिव का टू नेगेटिव का फोर बन गया नेगेटिव 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 का 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 एंड आगे भी नेगेटिव का आ रहा है ना डायरेक्टली सॉल्व कर लो लोटिव थ्री क्या हो जाएगा नेगेटिव का सेवन हो जाएगा तो भैया देखो तीस में से या डायरेक्टली कर लो छब्बीस में से अगर मैं सात माइनस करूंगा तो क्या बनेगा छब्बीस में से छह जाएंगे बीस बचेगा एक और माइनस करूंगा तो उन्नीस बचेगा सही है और उन्नीस प्लस का तीस जब किया जाएगा तो तीस में उन्नीस का इजाफे का मतलब फोर्टी नाइन बन जाएगा और अंडरवुड फोर्टी नाइन बराबर होता है किसके सेवन के बेसिक मैथ से बेटा सिंपल तरीके से ऑप्शन नंबर सी सी फॉर कैट कैट माने बिल्ला इज दी करेक्ट आंसर के लिए ना भैया कोई मसले की बात तो नहीं ये बेसिक मैस करी है बेसिक मैथ करिए बेटा मैंने कोई आसमान सूत्री मैथ नहीं करी याद रखिएगा सेंटर ऑफ दी सर्कल निकालने के लिए हम नेगेटिव जी नेगेटिव एफ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो माइनस टू पे डिवाइड करते हैं एक्स और वाई के कोफिशियंट को वाइल अगर प्लस का जी प्लस का एफ चाहिए तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे आ,

इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव का ट्वेल्व आ रहा है तो मैंने प्लस का 12x एक्स दूसरी तरफ भेजा वहां जाकर नेगेटिव का 12x बन गया अब अगर मैं इसको कंपेयर करवाऊंगा नॉर्मल पैराबोला की इक्वेशन के साथ तो ये होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर तो देखो बेटा 4a के सामने क्या है 4a ए के सामने आ रहा है नेगेटिव का ट्वेल्व तो फोर वन जार होता है फोर थ्री जार होता है तो ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी नेगेटिव के थ्री के बराबर आ जाएगी ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी नेगेटिव के थ्री के, के बराबर हमें निकालना क्या है लेंथ ऑफ लेटेस्ट लेंथ ऑफ रेक्टम निकालने का दुनिया के अंदर क्या फॉर्मूला होता है मॉडल ऑफ फोर ए के बराबर तो मॉडलस का मॉडलस फोर का फोर ए की वैल्यू बराबर है किसके नेगेटिव ऑफ थ्री के तो क्या बन जाएगा फोर इंटू थ्री यानी कि क्या बन गया नेगेटिव का ट्वेल्व बन गया और ये जो मॉडल होता है ना भाई मॉडल की प्रॉपर्टी होती है मॉडल के अंदर कभी भी अगर नेगेटिव की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी मॉडल हमेशा उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव का ट्वेल्व क्योंकि देखो फोर का फोर ए की वैल्यू नेगेटिव थ्री थी तो फोर इंटू नेगेटिव थ्री नेगेटिव का ट्वेल्व बनता है मगर चूंकि ये ढंडे जो आ रहे हैं बेटा मॉडल के होते हैं मॉडल की प्रॉपर्टी होती है कि वो नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में हमेशा कन्वर्ट करेगा तो मेरा अल्टीमेटली जो आंसर आएगा प्लस का ट्वेल्व आएगा वैसे इसको समझना और भी आसान है कि भाई लेफ लेटे सेक्टम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता ये तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए आपके क्योंकि मॉडल्स के अंदर फॉर्मुला होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज यानी कि देखो एग्जामिनर कहता है अरेंज को अगर मैं अरेंज करना चाहता हूं तो कितनी अरेंजमेंट बनेंगी सॉल्व करना आसान है भाई इसकी शॉर्टकट क्या है कभी भी आपके पास वर्ड परमोटेशन का बेटा अगर क्वेश्चन आ जाए तो जितने भी अल्फाबेट्स आ रहे हैं कितने आ रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन जितने भी ये लेटर्स आ रहे हैं ना आपने सिंपल तरीके से एक दफा इन तमाम लेटर्स का ऊपर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स का फैक्टोरियल लेना है फिर डिवीजन में जाओगे कितने लेटर्स आ रहे हैं वन टू थ्री

होता है फाइव जीरो फोर जीरो नीचे डिवीजन में क्या आ गया टू फैक्टोरियल टू होता है टू फैक्टोरियल टू होता है तो नीचे फोर आ रहा है फोर वन जर फोर हो गया मेरे पास एक कैरी गया तो ये टेन बन गया फोर टू जर एट होता है तो यहाँ पे क्या आ गया अब आपके पास अगेन दो कैरी चला गया चौबीस बन गया फोर के टेबल में ट्वेंटी आता है आपके पास सिक्स के ऊपर फोर सिक्स ट्वेंटी फोर होता है जीरो का जीरो एडिज आ गया तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल वन टू सिक्स जीरो के बराबर यानी कि ऑप्शन नंबर ए ए फॉर एप्पल इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है The position vector of the force F is equal to 2i plus 5j, which is moved from point A to point B. फाइंड द वर्क डन अब देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मगर है बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अक्सर बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे क्योंकि एग्जामिनर इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वर्क डन पूछ रहा है बेटा देखो वर्क डन निकालने का फॉर्मला क्या होता है वर्क डन निकालने का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग तो force तो बेटा देखो फोर्स आपको सिंपल वेक्टर में गिवन है मगर आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसके दो वेक्टर्स गिवन है यानी कि एक वेक्टर आ रहा है ए तो अगर मैं इसको ओपन करूं ये बन जाएगा 1i प्लस का 1j और मेरे पास जो दूसरा वेक्टर आ रहा है वो आ रहा है वेक्टर बी जो कि किसके बराबर है ये बराबर है फोर कॉमा

इसको हम माइनस करवा देंगे ब्रैकेट लगाइए क्योंकि नेगेटिव के साइन सारे चेंज कर देगा तो क्या बन गया फोर आई में से जब वन आई को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा थ्री आई के बराबर फाइव जे में से अगर मैं वन जे को माइनस करूंगा फाइव जे माइनस का वन जे क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल फोर जे के बराबर तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या आ गया थ्री आई प्लस फोर जे के बराबर सही ना नॉर्मल सी बात है अब देखो अगर आपको अब क्या निकालना है वर्क निकालना है तो वर्क कैसे निकालेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स बराबर है टू आई प्लस के फाइव जे के तो इसको आने सिंपल क्या करवाने मल्टीप्लाई किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवाने डिस्प्लेसमेंट के साथ डेट इस थ्री आई प्लस का फोर जे

निकालने का फॉर्मूला होता है जो भी रियल पार्ट है उसको लिखोगे नीचे डिवीजन के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस का फिर इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर क्लियर है फिर आगे कॉमा लगाओगे फिर उसके आगे जाके आपने सिंपल तरीके से नेगेटिव का साइन लेना है फॉर्मूले का अब आपका जो इमेजनरी पार्ट आ रहा है उसको लिखा जाएगा और नीचे डिवीजन के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस के साइन के बाद जो इमेजनरी पार्ट है उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा तो बेटा देखो ये क्या बन गया ऊपर आ गया रूट थ्री का रूट थ्री नीचे रूट थ्री का स्क्वायर सिंपल तरीके से थ्री के बराबर रूट 2 का अंडर रूट टू अगेन रूट थ्री का स्क्वायर थ्री आ जाएगा रूट टू का स्क्वायर टू आ, आ जाएगा तो मेरे पास पर्टिकुलरली आंसर क्या आ जाएगा रूट थ्री डिवाइडेड बाय फाइव कॉमा नेगेटिव का रूट टू डिडेड बाई फाइव के बराबर तो ऑप्शन नंबर डी डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर बेस्ट क्वेश्चन आ रहा है

सही है ना और इसका डिफरेंस डिफरेंसा लेना है हमें ए के साथ लेना है तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है ये आ रहा है ए बी सी डी और ई e. तो मैंने क्या कहा

अब देखो बेटा आगे examiner क्या कह रहे हैं है जो, है है। जो भी वैल्यू आ रही है ना अब इसका आप साथ C के साथ करोगे। तो कोई मसले की बात नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है यानी कि देखो अब की बारी में मुझे क्या करना है ये जो बी डिवाइडेड बाय ए का सेट आया है ना इसका डिफरेंस अब सेट सी के साथ आपको

फिर कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म आ रही है वन बाय फोर फर्स्ट टर्म आ रही है वन बाई एट तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा वन बाय फोर का वन बाय फोर नीचे वाला एट नीचे से ऊपर जाएगा रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखा जाएगा फोर वन जेरोट तो आर की वैल्यू आ गई टू के बराबर यहां पे भी चेक कर लीजिए इन दो टर्म्स के दरमान कॉमन रेशो क्या है तो वन बाई टू डिडेड बाय वन बाय फोर यहाँ पे भी सेम ही आएगा तो ये आ जाएगा वन बाय टू डिडेड बाय वन बाय फोर नीचे वाला फोर जब नीचे से ऊपर जाएगा तो बन जाएगा फोर बाय टू अगेन आर की वैल्यू टू तो के बराबर ही आएगी देखो थ्रू आउट द सीक्वेंस अगर कॉमन रेशियो सिमिलर है इसका मतलब सीक्वेंस जीपी का आ रहा है यानी कि इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि भाई कॉमन रेशो आपको मिल गया टू के बराबर सीक्वेंस की जो पहली वैल्यू होती है बेटा वो ए के बराबर होती है आपको सीक्वेंस की देखो लास्ट टर्म गिवेन है यहाँ पे सीक्वेंस की आपको क्या गिवेन है बेटा लास्ट टर्म गिवेन है तो हमें पता है फॉर्मूला क्या, क्या होता है भाई फॉर्मूला होता है दुनिया के अंदर सिंपल तरीके से एपी का फॉर्मूला क्या होता है एपी का फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए एन इसको टी एन बोलो ए एन बोलो बात एक ही है तो टी एन इज इक्वल टू ए का ए आर की पावर में एन माइनस का वन जीपी का जो जनरल फॉर्मूला होता है यहाँ पे टी एन का या ए एन का मतलब क्या होता है लास्ट लास्ट टर्म क्या गिवन है थर्टी टू के बराबर ए का मतलब होता है पहली टर्म ए का मतलब होता है सीक्वेंस की पहली टर्म जो कि के इस केस के अंदर किसके बराबर है ये बराबर है वन डिवाइडेड बाय एट के आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो जो कि बेटा इस केस में किसके बराबर है आर बराबर है हमारे पास टू के पावर में एन माइनस तो एन हमें कैलकुलेट करना है माइनस का वन एज इट इज ये एट देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो थर्टी को अगर आप एट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा भाई एट टू जर का सिक्स आ गया वन कैरी थ्री एट जर

होता है जीरो के प्लस 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 का प्लस का का ओमेगा 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 स्क्वायर तो तो अगर कहीं पे सिंपल प्लस का लिखा हो तो जो वैल्यू मिसिंग है वो दूसरी तरफ क्या होगी नेगेटिव की फॉर्म में होगी कहीं पे अगर लिखा हो ओमेगा ओमेगा प्लस का स्क्वायर तो ये प्रॉपर्टी आपको बस ओमेगा की मालूम होनी चाहिए

होना चाहिए था एंड एल इज इक्वल टू फोर फोर एट एल का मतलब होता है लास्ट टर्म लास्ट टर्म की वैल्यू आपको गिवन है फोर फोर एट के बराबर एग्जामिनर कह रहा है बताइए एन और आर क्या होगा देखो भाई एक फॉर्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ जीपी के अंदर शॉर्टकट एक सम ऑफ जीपी के अंदर हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला होता है और ये शॉर्टकट फॉर्मूला कहता है एस एन बराबर होगा किसके ये बराबर होगा हमारे पास आर एल माइनस का ए और नीचे डिवीजन के अंदर आपके पास होगा आर माइनस का वन ये शॉर्टकट फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीपी का तो बेटा देखो आपको निकालना क्या है आपको एक तो एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और दूसरे नंबर पर आपको आर की वैल्यू निकालनी है कोई मसले की बात नहीं दोनों काम इजिली हो जाएंगे चुटकी बजा के हो जाएंगे कैसे निकालेंगे अरे भाई बहुत सिंपल है सबसे पहले हम लोग निकालेंगे आर की वैल्यू को तो भाई देखो आपको बेटा क्वेश्चन में ए भी गिवेन फर्स्ट टर्म आपको सम भी गिवेन है आपको लास्ट टर्म यानी कि एल भी गिवन है तो सिंपल फॉर्मूले में प्लॉट करिए तो सम किसके बराबर है सम बराबर है 889 के इक्वल टू के बाद r का r l यानी कि लास्ट टर्म बराबर है किसके 448 के माइनस का a a बराबर है किसके बेटा 7 के नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा r माइनस का 1 आ जाएगा बेटा अब इसको अगर मुझे सिंपलीफाई करवाना है तो बेटा देखो ये टर्म यहां पे डिवाइड हो रही है वहां पे जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा हमारे पास 889 r माइनस का 889 इक्वल टू के बाद देखो क्या आ जाएगा इक्वल टू के बाद हो जाएगा 448 r माइनस का 7 एरिटिस का एरिटिस एक जैसी वैल्यूज को एक साइड पर शिफ्ट कर दीजिए तो आर वाली वैल्यूज को मैं एक साइड पर शिफ्ट कर देता हूं तो एट एट नाइन आर एज इट इज प्लस का फोर फोर एट आर जब यहां पर आएगा तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा माइनस का फोर फोर एट आर हो जाएगा ना क्या हो जाएगा बेटा माइनस का फोर फोर एट आर इक्वल टू के बाद देखो माइनस का एट एट नाइन जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का एट एट नाइन बन जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का 7 एक मौजूद है अब देखो इनको अगर मैं आपस आप में तो नौ में से आठ निकालूगा चार बचेगा 8 में से चार बचेगा, बचेगा और यानी कि फोर फोर वन आर बन गया सही है ना बेसिक इनको आप आपस में सपेट करवा लिया अब एट एट नाइन में से अगर मैं माइनस करूंगा नौ में से सात निकालते हैं दो बचता है तो क्या बन गया ये बन गया हमारे पास एट एट टू के बराबर तो बेटा देखो ये फोर फोर वन जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई

कि मेरे पास r की वैल्यू किसके बराबर होगी 2 के बराबर होगी तो r किसके बराबर है 2 के बराबर आ गया क्वेश्चन हमारा तकरीबन सॉल्व हो गया सर कैसे सॉल्व हो गया अरे भाई r की वैल्यू निकाल ली मगर सर n भी निकालना है अरे तू बेटा n निकाल लो ना क्या मसला है r आ गया तुम्हारे पास r आ गया अब n अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें निकालनी है तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे क्वेश्चन में लास्ट टर्म आपको गिवन है तो भाई सिंपल तरीके से tn फार्मूला क्या होता है ar की पावर में n 1 होता है तो लास्ट टर्म क्या गिवन है लास्ट टर्म गिवन है 448

चौबीस आ गया टू की पावर 10 तक की वैल्यूज आपको जमानी याद होनी चाहिए 64 किस पे मिलता है टू की पावर सिक्स के ऊपर मिलता है e 64 का 64 है इट की पावर के अंदर एन माइनस का वन एज इट इज 2 की पावर किसके ऊपर 64 मिल रहा है अभी हमने पढ़ा कि भाई टू की पावर सिक्स के ऊपर 64 मिलेगा तो यानी कि 2 की पावर 6 किसके बराबर है 64 के देखो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है इक्वल टू के आमले सामने जब कभी बेसिस सेम हो जाए तो पावर्स क्या हो जाती है इक्वेट हो जाती है तो सिक्स तो में ऐड हो जाएगा तो एन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी सेवन के बराबर आ जाएगी सो क्वेश्चन so हमारा फाइनली सॉल्व हो गया क्या आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए ए फॉर एप्पल एप्पल का मतलब क्या होता है सेम सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया क्या मुश्किल बात है इसके अंदर बेसिक मैथ्स से बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सीक्वेंस सीरीज के अंदर तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ कोई मुश्किल बात नहीं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है बेसिक मैथ्स का आ रहा है एग्जाम

चौदह पांच दफा आ रहा है तो खाली ए की वैल्यू ऐसी सबसे ज्यादा रिपीट कर रही है वो कौन सी है 14 है बाकी सारे या तो चार चार दफा आ रहे हैं तीन दफा आ रहे हैं दो एक दफा आ रहे हैं तो खाली देखो फोर्टीन ऐसा है जो कि ज्यादा दफा आ रहा है कितनी दफा आ रहा है पांच दफा आ रहा है फोर्टीन तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए ए फॉर एप्पल यानी कि करेक्ट आंसर होगा हमारे पास सिंपल तरीके से ऑप्शन नंबर ए होगा क्योंकि देखो खाली ऑप्शन नंबर ए एक ऐसा ऑप्शन है जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है फोर्टीन सबसे ज्यादा रिपीट कर रहे पूरे डेटा सेट के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का तो मॉडल्स कैसे निकालोगे अगेन अ वेरी सिंपल थिंग कि भाई अगर मुझे ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडल निकालना है यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है जो किसके बराबर है ये बराबर है कॉस् थीटा

पता है अकॉर्डिंग टू टाइगोरस स्क्वार स्क्टर बराबर होता है किसके वन के तो ये क्या आगे अंडर रूट वन के बराबर अंडर रूट वन क्या होता है, भाई, होता है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी बी फॉर बेने बी फॉर बेने नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है फिफ्टी स्टूडेंट स्टडिंग इंग्लिश 90 स्टडी मैथ और इंग्लिश इंग्लिश इफ 25 आर बट नॉट दी मैथ्स हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी मैथ बट नॉट दी इंग्लिश ये अगेन एक रेलिवेंट वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आ रहा है सेट्स के टॉपिक का रिलेटेड कांसेप्ट आ रहा है ईदर का के भाई बोथ का और इस कांसेप्ट को कैसे डिस्कस करते हैं आइए जरा वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको बेटा

स्टडी मैथ और इंग्लिश के जो कि इनमें से प्रायोरिटी है इधर वाले बच्चे हैं यानी कि देखो ये मैथ और इंग्लिश में कोई एक चीज पढ़ रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये ईधर वाली क्वांटिटी आ रही है इसको ई से रिप्रेजेंट कर देता हूं आपको समझाने के लिए फिलहाल के लिए इधर वाले बच्चे कौन से जो कि बेटा देखो या तो मैथ्स ले रहे हैं या इंग्लिश ले रहे हैं यानी कि भाई मैं कहता हूं या तो ये क्या ले रहे हैं मैथ्स ले रहे हैं या फिर इंग्लिश ले रहे हैं आगे एग्जामिनर कहता है इफ 25 इंग्लिश बट नॉट मैथ्स यानी कि एग्जामिनर कहता है अगर 25 बच्चे वो हैं जो इंग्लिश की क्लास तो लेते हैं मगर मैथ्स की नहीं लेते यानी कि पच्चीस बच्चे कौन से हैं वो बच्चे हैं जो इंग्लिश तो लेते हैं मगर मैथ्स नहीं लेते यानी कि सिर्फ ये इंग्लिश वाले बच्चे हैं यानी कि सिर्फ इंग्लिश वालों की क्वांटिटी किसके बराबर है ट्वेंटी के बराबर तो एग्जामिनर कहता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी मैथ बट नॉट दी इंग्लिश तो ये आपको जानकारी देनी है ये आपको बताना है

रहे हैं यानी कि बेटा देखो बोथ के अंदर वो क्वांटिटी इन्वॉल्व है वो बच्चों की जो कि मैथ और इंग्लिश दोनों लेते हैं 25 वो बच्चे हैं जो सिर्फ इंग्लिश लेते हैं तो अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं ना तो ये बन जाएगा 50 प्लस का 25 नॉर्मल सी बात है तो मेरे पास ये आंसर क्या आ जाएगा 75 के बराबर यानी कि मेरे पास टोटल बच्चे आ गए जो कि मैथ और इंग्लिश को कंडक्ट कर रहे हैं ले रहे हैं मगर हमें क्या निकालना है हमें सिर्फ वो क्वांटिटी निकालनी है उन बच्चों की जो सिर्फ मैथ्स लेते हैं तो सिर्फ मैथ्स लेने के लिए हम क्या करेंगे ये जो इधर वाली क्वांटिटी है ना इसमें से हम इनको सब करवा देंगे इधर वाली क्वांटिटी किसके बराबर है नाइनटी के इसमें से अगर मैं सेवेंटी फाइव को माइनस करवा दूंगा तो जाहिर सी बात है इसमें से वो बच्चे भी माइनस हो जाएंगे जो दोनों क्लासेस के अंदर जा रहे थे इसमें से वो बच्चे भी माइनस हो जाएंगे जो सिर्फ इंग्लिश में जा रहे थे तो मेरे पास सिर्फ उन बच्चों की तादाद आ जाएगी जो सिर्फ सरहाशिम की क्लास लेने के लिए मैथ्स की क्लास ले तो बेटा देखो मैं तमाम बच्चों को यानी कि वो तमाम बच्चे जो दोनों क्लासेस लेते हैं और वो तमाम बच्चे सिर्फ इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं अगर इस क्वांटिटी में से मैं उन बच्चों को माइनस करवा दूं जो इंग्लिश ले रहेगी या या रहे तो तो हो हो तो तो बच्चे, बच्चे, बच्चे तो होगा और उसके पीछे थियोरिटिकल डेटा क्या पढ़ भी सकते हैं जो इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी देखो क्वेश्चन के अंदर आपको

इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया डेट द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन

ये बराबर है 22 टू बाई के टी ट्वेल्व बराबर है 5 के नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा 19 माइनस का 12 अगर आप 9 में से 12 को दो 9 में से दो को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा 9 में से दो जाएगा तो 7 बचेगा सिमिलरली 19 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा तो इसको फर्दर सिंपलीफाई करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा बेटा एल्सियम लेना पड़ेगा ऊपर तो बेटा देखो फाइव के नीचे कुछ भी नहीं है तो वन होगा तो यहाँ पे एल्सियम कैसे लोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर थ्री वन जर थ्री ट्वेंटी टू वन ट्वेंटी टू थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन आ जाएगा नीचे होल डिवीजन में सेवन का सेवन फर्दर सिंप्लीफाई करवा दीजिए बाइस में से अगर मैं पंद्रह को सप्रेक्ट करवाऊंगा जाहिर

अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो होगा तो उस केस में आपको फ्री का नंबर मिलेगा सो तो आपका करेक्ट आंसर क्या है वन डिवाइडेड बाई इसको दो दफा वेरीफाई कर लिया था इसलिए मैं आपको कंफर्म कह रहा हूं आपका वेरीफिकेशन के बाद आंसर क्या है 1 /6 के बराबर होगा एचपी के अंदर क्योंकि देखो भाई एपी के अंदर मेरा आंसर क्या आ रहा है टी का आंसर एपी के अंदर सिक्स के बराबर है तो एचपी में क्या होगा वन बाय के बराबर तो ये तमाम के तमाम आंसर यहाँ पे क्या है गलत गिवेन है तो गलत आंसर है सही है ना नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर बड़ी मजे की बात कर रहा है एग्जामिनर कहता है इक्वेशन ऑफ एस एम टोट बताइए हमें कैलकुलेट करनी है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मार्क कर लीजिए अक्सर बच्चे सॉल्व नहीं कर सकेंगे भाई देखो इस इस पेपर में कॉनिक सेक्शन बेतहाशा आया हुआ है बेटा ये पेपर ऑथेंटिक पेपर में बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं ये पेपर आपको मेरी पीडीएफ फाइल के अंदर मेरी ड्राइव के ऊपर भी मिल जाएगा ऑथेंटिक इसका ओरिजिनल तो पेपर आया होगा ना मगर जाहिर सी बात है ओरिजिनल पेपर में छोटा छोटा होता है इसलिए मैंने उसको प्रॉपर्ली टाइप करवा के आपके सामने पेश कर रहा हूं देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन कॉनिक सेक्शन से आए हुए हैं तो माइट भी पॉसिबल दो के अंदर दो के इवनिंग के अंदर इंटीग्रेशन भी ऐसी बहुत ज्यादा आया हुआ तो याद रखिएगा किसी टॉपिक को छोड़ना नहीं है बेटा गलती नहीं करना आपने सही ना तो एग्जामिनर देखो यहाँ पे क्या कह रहा आप है आपसे एग्जामिनर कह रहा है नाइन स्क्वायर माइनस का सिक्सटीन वाई स्क्वायर इक्वल टू वन आ रहा है इक्वेशन ऑफ एस निकाल टोट तो बेटा देखो इक्वेशन ऑफ एस किसी भी हाइपरबोला में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अगर तो आपका ट्रांसफर एक्सेस जो है ना वो एक्स एक्सेस का है तो इक्वेशन ऑफ एस निकालने का फॉर्मूला होगा वाई का बी डिवाइडेड बाई के बराबर सही है और अगर ट्रांसफर एक्सेस मेरे पास वाई का तो आपका एक्स का है ना तो हमेशा याद रखिएगा ट्रांसफर एक्सेस एक्स का आ रहा है तो उस सूरत के अंदर इक्वेशन ऑफ

पहले तो कन्वर्ट तो कर लो थ्री पाई बाय टू को अगर मैं रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करूंगा सिंपल वन एट्टी बाय पाई से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा पाई से पाई कट गया टू नाइन जर क्या होता है एटीन होता है जीरो का जीरो थ्री नाइन जर ट्वेंटी सेवन होता है यानी कि बन गया टू सेवेंटी एग्जामिनर बेसिकली क्वेश्चन क्या दे रहा है एग्जामिनर कह रहा है कि भैया टेन

बेटा ये पेपर लिटरली बहुत मजे का था बहुत इंटरेस्टिंग पेपर था तो इसी के साथ देखो कराची यूनिवर्सिटी के 2022 का मॉर्निंग का पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व करवा दिया बेटा दो काम आपने लाजमी तौर पे करने हैं सबसे पहले नंबर के ऊपर बेटा जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप चैनल हैं सबके ऊपर इस पेपर को शेयर करना है आपने इस पेपर के लेक्चर के लिंक को शेयर करना है क्योंकि बेटा इसको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और क्योंकि यह सत्याय जारी है क्योंकि बेटा देखो कोई भी बंदा आपको कराची यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्व नहीं करवा रहा इस तरीके तरीके से मैं करवा रहा हूं यानी कि प्रॉपर जो आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आए थे सारे के

आप जैसे खैरियत सुनकर मुझे बहुत सारी दो मैदी है जहाँ का थैंक यू सो मच हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ